हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट देखिए, इन क्वेश्चन को हम आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, है ना। एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ 3 है, प्लस में 2 है, और इसके बाद में हमने स्टूडेंट 3 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ प्लस लिख दिया, और यहाँ ब्लैंक लिख दिया। तो स्टूडेंट हमें ये जो संख्या है, ये वाली जो संख्या ब्लैंक्स वाली है, इसे इसके इक्वल करनी होती है। 3 और 2 5 होते हैं, ओके स्टूडेंट, और यहाँ भी आंसर 5 ही आना चाहिए, इधर भी 3 है, इधर भी 2 है। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या ऐड करें कि इधर भी 5 हो जाए, तो जब 5 हो जाएगा तो इसके इक्वल हो जाएगी। तो स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करके अगर हम 5 में से 3 को माइनस कर दें, जो इधर एक डिजिट दी गई है, तो स्टूडेंट माइनस करने के बाद 2 आ गया, तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सभी इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है जी। तो आपको समझ में आया। तो स्टूडेंट एक तो मेथड ये है, इस तरीके से आप कोई भी डिजिट कर सकते हैं। एक सेकंड मेथड है स्टूडेंट, सेकंड क्या है स्टूडेंट, मान लीजिए यहाँ पे 2 नहीं, ये नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक्स है और इधर दोनों डिजिट है ना। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि भाई 3 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, है ना। तो इधर भी 3 है, तो इधर भी 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये स्टूडेंट एक मेथड और है, आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। भाई मान लीजिए इधर 2 डिजिट है स्टूडेंट, है ना, इसमें ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं है इस वाले में, इस मेथड में। स्टूडेंट इधर 3 और 2 है, और इधर 3 है, तो कौन सी नहीं है, तो 2 नहीं है, जो डिजिट इधर नहीं है वो ही लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये एक मेथड ही है। तो स्टूडेंट हमने आपको इसके 3 मेथड बताए हैं, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। या आप 2 मेथड यूज करके देख लीजिए, अगर दोनों से एक ही आंसर आता है तो 100% वही आंसर आएगा, ठीक है जी। तो आप देखिए कैसे करना आपको। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट मेथड है वो है इन दोनों को ऐड करना, और इक्वल के बाद में यहाँ पे जो खाली ये डिजिट दी गई है इसे इसमें से माइनस करना, जो इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसमें से इस नंबर को माइनस करना, और जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला मेथड होगा। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है और ये नंबर दिया गया है, इनमें से पहले वाला नंबर इस साइड दिया गया है, दूसरा इस साइड नहीं है। हम जानते हैं जो नंबर इसमें ऐड होगा वही नंबर इसमें ऐड होगा, ठीक है जी। 23,115 में क्या ऐड हुआ, 20,337 ऐड करा। तो स्टूडेंट इधर भी यही ऐड करेंगे, जब इतना इक्वल होगा ना, तो हम जो इसे इधर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। या फिर देख लेंगे भाई इधर 23,115 है, 20,337 है, इधर 23,115 है, 20,337 नहीं है, तो जो नहीं है वो इधर लिख देंगे, ओके स्टूडेंट, ये लिख दिया। अब स्टूडेंट इक्वल से इधर एक नंबर है, इधर भी एक नंबर है, तो स्टूडेंट अगर हम इस नंबर को इसमें ऐड कर दें, है ना, ये इधर नहीं है, तो इस नंबर को हम इसमें ऐड कर देंगे, कर दिया जी। तो स्टूडेंट इधर 2 नंबर हो गए, और इधर एक नंबर है, ये है हमारे पास ये वाला, और ये नंबर नहीं है, तो हम ये नंबर इधर लिख देंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप इन्हें ऐड कर लें। अब सी वाला क्वेश्चन देखिए, इस स्टूडेंट 2 नंबर तो ब्रैकेट में है और एक ब्रैकेट के बाहर है। तो स्टूडेंट अगर ब्रैकेट में हो
चे बिना ब्रैकेट के हो स्टूडेंट, अगर ऐड सबको एक जैसे ही आएगा इनका आंसर, इन तीनों को, इन दोनों को ऐड करके, इसे ऐड करके एक ही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट कोई सी भी संख्या जो दी हुई है डिजिट है उन्हें कोई सी को भी हम ब्रैकेट में रख सकते हैं, कोई सी ब्रैकेट में के बाहर रख सकते हैं, है ना, तो लेकिन आंसर एक ही आना। तो स्टूडेंट अब इक्वल के बाद में देखिए, 30 वाली डिजिट ये रही, ये भी है इधर, 20 वाली ये है, ये रही। तो स्टूडेंट इधर इक्वल के लेफ्ट साइड 15 वाली है वो राइट साइड पे नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड से जो नहीं है इस राइट साइड वो लिख देंगे। तो स्टूडेंट जो डिजिट इधर है वो इक्वल के इधर है, तो अगर हम सेम डिजिट ऐड करेंगे तो आंसर इक्वल आएगा ना, ठीक है जी। आप इन तीनों को जोड़कर देख लीजिए, इन दोनों तीनों को भी जोड़कर देख लीजिए, तो आंसर दोनों का इक्वल ही आना चाहिए। तो ये सवाल क्वेश्चन सही है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा तो स्टूडेंट आपको विश्वास होना चाहिए, अगर हम देखो 3 + 2 और +4 है, तो स्टूडेंट अरे इधर हम 4 + 3 + 2 करेंगे, तो स्टूडेंट 3 इधर है, 3 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4 इधर है, 4 इधर है। तो स्टूडेंट अगर सेम डिजिट है और उनकी उनके प्लेस चेंज है तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, इस बात को याद रखें। 4 और 2 6, 6 और 3 9, और 4 और 3 7 और 2 9, देखो आया ना इक्वली, तो हमें इस बात को याद रखना चाहिए। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है स्टूडेंट, अब देखिए इधर 29 वाली है, 29 वाली ये रही, 26 वाली डिजिट नंबर ये रहा, 26 वाला ये रहा, तो कौन सा नहीं है, 31 वाला नहीं है, तो हम 31 वाला स्टूडेंट इधर लिख देंगे। ठीक है, तीन मेथड है स्टूडेंट, कोई से को भी आप कोई से भी मेथड को जो आपको आसान लगे उसे यूज कर लीजिए, बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट इसमें इक्वल के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इन्हें प्लस करना है, ये हमेशा याद रखें। अगर किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट जिस नंबर में जीरो को ऐड करते हैं वही नंबर आंसर होता है हमेशा, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका, तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। अगर मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ है, आपको कोई 0 रुपये दे तो आप पे क्या कोई पैसे घट जाएंगे, रुपए घट जाएंगे, 4 तो नहीं रह सकते, या आपके पास 6 तो नहीं होने के, क्योंकि आपको कुछ 0 का मतलब है आपको कुछ भी नहीं दिया या आपसे कुछ भी नहीं लिया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सेम का सेम आंसर आएगा 6 5 3 0 7। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग, स्टूडेंट मैचिंग दी गई है, इन्हें आपको मैच करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब ये मैचिंग है, इसमें 2 नंबर दिए गए हैं स्टूडेंट, में प्लस है। अब हम देखेंगे क्या इधर कोई 2 नंबर है सेम ऐसे ही जो इधर मैच करते हो, तो स्टूडेंट ये 35 से शुरू हो रहा, देखो आप इधर कोई ऐसी डिजिट है जो 35 से शुरू हो रही हो, ये रही 35 42 70 35 42 70, तो स्टूडेंट मैच होगी। अब दूसरे वाली भी मिलाइए 23 54 02, स्टूडेंट मैच होगी, तो सेम डिजिट यही है, दोनों मैच हो रही है आपस में, तो उस पर हम यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है जी, तो ए ए से मैच हो गया, ये दोनों सेम है इसलिए मैच हुई। अब स्टूडेंट बी वाली देखिए क्या है, 78 से शुरू हो रही, तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी कहीं 78 है क्या, ये रही 78 वाली, और ये बाद में 72 है, ये 72 वाली है, ये 67 है, ये 67 है, तो स्टूडेंट मैच होगी सारी, तो आप इन्हें यहां से मैच इस पे बी लिख दीजिए, यानी कि बी इससे मैच होगी 5th वाली से। ठीक है जी,
अब जीरो है, जीरो में हमें ये नंबर ऐड करना है, इस नंबर को ऐड करने का मतलब है सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट ये आंसर तलाश कीजिए कहाँ लिखा हुआ है, देखिए 804068। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे सी लिख देंगे, तो ये इससे मैच हो गया। अब डी वाला, डी वाले में 66 है, देखिए आप 66 कहीं है क्या, ये रहा 66, है 57, 98 है ना स्टूडेंट, है 20691। तो स्टूडेंट ये रहा, इस पे आप ये लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये रहेगा जी स्टूडेंट डी वाला 53, और 53 वाला वन वाला है, तो इस पे आप डी लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो कैसे मैच हुए, डी ई ए सी बी, इस प्रकार हमने इसके नंबर डाल लिए। अगर स्टूडेंट हम इन्हें लाइन ड्रॉ करके करते तो वो लाइन आएगा एक दूसरे के ऊपर को क्रॉस कर जाती, कभी कभी पता नहीं चल पाता कि लाइन कौन सी कहां से जाके मिल गई, है ना, तो इसलिए हमने ये नंबर सिस्टम से मैच किए, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिजिट। स्टूडेंट जो स्टूडेंट ये एक ऐड का क्वेश्चन है, इसका आंसर ये दिया हुआ है 97582, ठीक है जी। इसमें कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं तो आपको इन्हें फिल करना है। स्टूडेंट यहाँ पे आप बुक में, बुक खोल सकते हैं, बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो यही को सेम का सेम क्वेश्चन उसमें भी है बुक में। ओके स्टूडेंट, तो आप अगर इन्हें ध्यान पूर्वक एक बार समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं हो सकता ऐसे क्वेश्चन आप फिर ना कर पाए, तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बस एक बार ध्यान से समझिए, है ना। अगर स्टूडेंट आप ये ध्यान पूर्वक नहीं समझते तो फिर आपको ये बहुत ही हार्ड नजर आएंगे और आपसे ये नहीं होने के, आप सोचेंगे ये तो मेरे से होने के ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिए, देखिए नियम क्या है, रूल क्या है। स्टूडेंट आंसर को छोड़ के जो भी नंबर आपको दिए गए हैं, है ना, वंस जो पहले वाली डिजिट है राइट साइड में, उन सबको आपको ऐड करना होता है। आंसर को छोड़ के जो भी डिजिट आपको मिली हुई है उन सबको ऐड करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, तो हम 04 को ऐड करेंगे, 04 को 4 में 0 ऐड करेंगे तो 4 ही रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ हमें पता नहीं क्या आएगा, यहाँ पे क्रॉस है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। अब हमें 4 में कुछ ऐसी डिजिट ऐड करनी है तो स्टूडेंट जो 2 आ जाए, अगर 4 में से हमें 2 माइनस करते तो 2 आंसर आ जाता, लेकिन हमें तो स्टूडेंट ऐड करना है, ऐड करके, ऐड करने के लिए हमें 4 से आगे वहां तक काउंट करना पड़ेगा जबकि वंस प्लेस पे 2 ना आ जाए। ओके स्टूडेंट, कहां तक ऐड करना, जब तक वंस प्लेस पे 2 ना आ जाए, जहां पे वंस प्लेस पे 2 आ जाएगा वहीं आपको रुक जाना है। कैसे, देखिए ये 4 है, 4 में 0 ऐड करी 4 ही रहेंगे, अब 4 से आगे काउंट करिए 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 के वंस पे स्टूडेंट ये 12 होता है, तो ये वंस है और ये 10 है ना, तो 2 आ गया ना। तो स्टूडेंट ये अब 2 आ गया तो हम यहीं पे ही रुक जाएंगे, अब इन्हें काउंट करेंगे जो लाइन ड्रा करी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी लाइन ड्रा हुई स्टूडेंट 8, अब यहाँ पर हमें 8 लिख दें, ठीक है जी। अब अभी हमें साथ के साथ इसके आंसर की जांच होती चली जाएगी, ये सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट, साथ के साथ अब आप इसे ऐड कर लीजिए, ऐड करके यहाँ पे 2 आना चाहिए, देखो 8 और 4 कितने हो गए 12 हो गए ना, 12 का 2, अब कैरी, तो अगर डबल डिजिट होगी तो स्टूडेंट कभी भी उन्हें एक साथ नहीं लिखते, उनमें से जो टेंस प्लेस पे होती है डिजिट वो कैरी के लिए अगली रो में चली जाती है,
तो ये वन यहाँ पे अगले वाली रो में ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट आंसर को छोड़कर जो भी डिजिट हमारे पास है उन सबको हम ऐड करेंगे, जैसे हमने पहले वाले कॉलम में की थी। अब इसमें भी वही काम करना, वन है आपके पास, सिक्स है और सेवन है, इन्हें ऐड करेंगे आंसर को छोड़कर, है ना। तो सिक्स और वन सेवन हो गए, और सेवन फोर्टीन हो गए स्टूडेंट, फोर्टीन हो गए। अब यहाँ है एट, तो स्टूडेंट हम फोर्टीन से आगे जब तक एट वंस प्लेस पे एट ना जाए तब तक काउंट करेंगे। करिए, फोर्टीन से आगे फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एट्टीन, तो आ गया स्टूडेंट एट्टीन आ गया, एट आ गया। तो आप काउंट करिए, वन टू थ्री फोर, फोर लाइन ड्रा करनी पड़ी, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे फोर लिखें। ठीक है जी, आपने यहाँ फोर लिख दिया, आप इसे चेक कर लीजिए अपने आंसर को। ठीक है जी, सिक्स और फोर टेन, और सेवन सेवनटीन, और वन कैरी था एट्टीन, एट्टीन आ गया, तो एट्टीन का एट तो स्टूडेंट यहाँ पर रहेगा, आ ही रहा पहले से आ रहा है ना, और वन कैरी का आपको अगले कॉलम में चला गया। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सिक्स नाइन और कैरी को इन्हें ऐड करेंगे, नाइन वन टेन हो गए, और सिक्स सिक्सटीन हो गए। अब सिक्सटीन से आगे आपको फाइव लाना है स्टूडेंट, फाइव वंस प्लेस पर फाइव आना चाहिए तब तक आप काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो 16 हो गए थे, 16 से आगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो स्टूडेंट 25 के वंस प्लेस पर 5 आ गया, तो हम यही रुक जाते हैं। अभी लाइन को ड्रा करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो स्टूडेंट क्या आ गया 9, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। अब इन्हें ऐड करके देखेंगे, अगर यहाँ फाइव अपना पाता है स्टूडेंट तो हमारा हमने जो ये भरा यहाँ नाइन तो ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग है। नाइन वन टेन, और टेन नाइन वन टेन, और नाइन कितने हो गए नाइनटीन, नाइनटीन में स्टूडेंट आपने सिक्स प्लस कर दिया कितने हो गए 25, तो 25 तो फाइव तो स्टूडेंट अपना पा रहा है यहाँ। अब ये टू है ना, ये कैरी के लिए नेक्स्ट में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में। ठीक है जी, अब आपके पास जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए क्या है, थ्री है फाइव है और टू है, है जी, तो कितने हो गए फाइव और थ्री एट और टू टेन। अब टेन से आगे स्टूडेंट आपको सेवन जब वंस प्लेस पर वहां तक काउंट करना है, टेन से आगे अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हो गए जी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो स्टूडेंट आपको यहाँ क्या लिखना सेवन लिखना है ना। अब इन्हें ऐड करके देख लीजिए, सेवन और थ्री टेन, और फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन और टू सेवनटीन का सेवन कैरी वन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपके पास तीन है, इसमें ब्लैंक्स ये यहाँ पे स्पेस नहीं था, यहाँ जीरो थी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना। ओके स्टूडेंट, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए, सेवन एट नाइन, नाइन का नाइन आ गया, तो ये आपका सवाल सही हो गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर बी लेते हैं, बी भी सेम इसी प्रकार होगा। तो स्टूडेंट अगर इन क्वेश्चनों को आप एक बार अपनी रफ कॉपी में करके देखें, है ना, जो भी मेथड हमने बताया अगर उसे यूज करके देखें, अगर आपसे कहीं गलत हो रहा तो उसमें वीडियो को दोबारा चला के फिर दोबारा देखें कि भाई कहाँ गलती हुई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, आंसर को छोड़कर जो भी डिजिट आपको दी गए उन्होंने ऐड करेंगे पहले स्टेप में। ओके स्टूडेंट, कितना होगा नाइन और टू अलेवन हो गया, है ना। अब अलेवन अलेवन आ गया, तो स्टूडेंट हमें कहाँ तक काउंट करना, जिसके वंश पर वन आ जाए, तो स्टूडेंट अलेवन में पहले ही वन आ रहा है ना, तो कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो स्टूडेंट वन आ गया, तो हमने वन तो यहाँ लिख दिया और वन कैरी के लिए अगली रो में लिख दिया। तो स्टूडेंट हमने कोई भी नंबर काउंट नहीं हुआ, हमारा हुआ तो नहीं, तो स्टूडेंट यहाँ पे जीरो आएगी। ठीक है, अब देख लीजिए, नाइन टू अलेवन और जीरो अलेवन ही रहेगा, अलेवन का वन कैरी वन। ठीक है जी, अब आपके पास क्या है, वन है फाइव है फाइव है, इन इन्हें ऐड कीजिए, फाइव फाइव टेन और वन अलेवन,
और आपको कहां तक काउंट करना है स्टूडेंट, जो जब तक सिक्स आ जाए वंस प्लेस पर। तो स्टूडेंट ये अलेवन हो गए, अलेवन से आगे ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, तो कितने लाइन ड्रा हुई, फाइव लाइन ड्रा हुई। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे फाइव लिख देंगे। अब आंसर की जांच कर लीजिए अपने, फाइव 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 और फाइव कितने हो गए जी, फिफ्टीन और वन सिक्सटीन का सिक्स कैरी वन। अब फोर और टू सिक्स और वन सेवन, तो स्टूडेंट सेवन हो गए, सेवन से आगे काउंट करना है एट तक, सेवन से आगे एट, तो स्टूडेंट वन आ गया, ठीक है जी। अब इन्हें ऐड कर लीजिए, फाइव सिक्स सेवन एट आ गया। तो अब स्टूडेंट आपके पास क्या है, दो डिजिट है, थ्री 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 कितने हो गए सिक्स, और सिक्स आ गए सेवन एट नाइन, तो यहां भी थ्री आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कीजिए, सेवन और फाइव को कितने हो गए ट्वेल्व, ट्वेल्व से आगे फाइव वंस प्लेस पे आ जाए वहां तक काउंट कीजिए, ट्वेल्व से आगे थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, तो स्टूडेंट थ्री आ गया, थ्री यहां लिख दिया, सेवन और थ्री टेन और फाइव फिफ्टीन का फाइव कैरी वन। अब स्टूडेंट इन्हें करिए, फाइव और वन सिक्स, सिक्स और फोर टेन, तो स्टूडेंट टेन आ गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क भी नहीं आया, तो यहाँ वैसे जीरो लगा दी, तो टेन का टेन ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सी, तो आपके पास क्या है जी, थ्री है एट है, दोनों को ऐड कर दिया, फाइव और थ्री एट, एट अपना आप ही आ गया स्टूडेंट, जब आ गया तो यहाँ पे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हम कुछ लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे जीरो ऐड करेंगे, है ना, तो यहाँ जीरो थी, फाइव जीरो फाइव और जी जीरो थ्री एट आ गया जी। अब आपके पास टू है स्टूडेंट, आपको सेवन तक काउंट करना, टू से आगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने हो गए जी फाइव, तो आप यहाँ पे फाइव ऐड कर देंगे, तो फाइव टू और फाइव सेवन और जीरो सेवन ही रहेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ सब जीरो ही है, तो स्टूडेंट यहाँ फाइव है, फाइव से आगे आप जीरो तक काउंट करेंगे जिसके वंश पर जीरो आ जाएगी, फाइव से आगे सिक्स सेवन एट नाइन टेन आ गई जीरो, तो स्टूडेंट वन टू थ्री फोर फाइव, तो आप यहाँ फाइव ऐड लिख देंगे, देख लीजिए फाइव फाइव टेन की जीरो कैरी वन, सेवन और वन एट, एट और वन नाइन, तो स्टूडेंट यहां वन आ जाएगा, सेवन एट नाइन आ गया जोड़कर नाइन, ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहां भी ब्लैंक्स है ना, यहां क्वेश्चन मार्क है, तो स्टूडेंट फोर से आगे काउंट कर लेंगे, यहां क्या आएगा, फोर से आगे सिक्स सेवन एट, फोर से आगे फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, तो स्टूडेंट यहाँ पे फोर आ गए, यहाँ कुछ था नहीं, ठीक है जी, फोर फोर एट, तो ये क्वेश्चन नंबर जो थ्री था ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन देखने में थोड़े से हार्ड लगते हैं, इसलिए जो भी स्टूडेंट इनकी प्रैक्टिस करेगा, करके देखेगा एक बार रफ कॉपी पे वीडियो के साथ साथ, तो उन पर बहुत आसानी से आ जाएंगे करने, ठीक है जी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर है जी आपका फोर, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फोर।